ग्वालियर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद जल संसाधन मछुआ कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट दो दिवसीय दौरे पर पहली बार ग्वालियर आए। अपने इस दो दिवसीय प्रवास पर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं की बैठक के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले तुलसी सिलावट ने माधवराव सिंधिया और राजमाता विजयराजे सिंधिया की छत्री पर पहुंचकर वहां श्रद्धासुमन अर्पित किए। करीब 20 से ज़्यादा बड़े नेताओं के घर वहां जाएंगे, हर गुट के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, उन्हें साधने का प्रयत्न करेंगे। पूर्व मंत्री और सिंधिया परिवार के धुर विरोधी रहे जयभान सिंह पवैया से मुलाकात के लिए वो उनके घर भी जाएंगे। सिलावट से बातचीत की IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने। किस तरह के विकास की योजनाओं को लेकर आप ग्वालियर आए हुए हैं? मध्य प्रदेश का मॉडल ग्वालियर है, विकास और प्रगति में है, इससे प्रेरणा हम लेते हैं क्योंकि यहाँ का नेतृत्व पूरे राज्य का नेतृत्व करता है, इसलिए विकास और प्रगति कोई रुकने वाली नहीं। कुछ एजेंडे लेकर चल रहे हैं क्या? क्या खास कल वाले? कल बदलाऊंगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि तुलसी सिलावट जी हैं और ग्वालियर के दौरे पर हैं और कई सारे उन्हें एजेंडे के साथ में, और उनका साफ कहना है कि ये सिंधिया जी का नगर है, यानी कि उनकी मातृभूमि है, ऐसे में उनका सबसे ज्यादा जो फोकस है वो ग्वालियर के विकास को लेकर रहेगा। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।